उत्तराखंड में मतदान को लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन हरिद्वार में हुई पीएम मोदी की रैली पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बिना इजाजत के हुई रैली से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और अब कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राज्य में हर किसी को 11 मार्च का इंतजार है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार राज्य की सत्ता पर कौन काबिज होगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी वार और पलटवार जारी है। कांग्रेस ने हरिद्वार में पीएम मोदी की रैली को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मामले में केस दर्ज करने के लिए कांग्रेस दिल्ली तक पहुँच गई है। हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हरिद्वार के अंदर जो सभा की है वो स्पष्ट तौर जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि सबके लिए कानून का एक जैसा पालन होना चाहिए। इस बात को भी कहा गया कि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करने के बाद भी एक्शन नहीं होता तो कांग्रेस प्रदर्शन करने की रणनीति भी तैयार कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में फैसले हो रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस के लिए नियम अलग और भाजपा के लिए नियम अलग, और ये सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में कुछ लोगों ने नियम कानून को ताक पर रख करके प्रधानमंत्री जैसी सेलिब्रिटी का की जनसभा को हरिद्वार में बगैर अनुमति के करा दिया। इसमें अधिकारी तो जितने दोषी हैं वो मामला तो बढ़ेगा, लेकिन जिस व्यक्ति की जनसभा हुई वो व्यक्ति भी आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, क्योंकि भारत का संविधान जो कहता है कि हर व्यक्ति के लिए कानून है। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग का इस मसले पर क्या रुख रहता है। देहरादून से खुर्रम शमसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।